सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। उर्दू बढ़ाना है, उर्दू बचाना है, तो उर्दू स्कूल को पहला बचाइए। इसके दरवाजे नहीं थे, खिड़कियाँ नहीं थी, यहाँ मेन तो बच्चों को पीने का पानी नहीं था, शौचालय था लेकिन बहुत गंदा था, चर्सी लोग बैठते हैं यहाँ पर, दरवाजे स्कूल के नहीं थे। हमने देखा वो वॉल बन गया, झंडा उछन करने का एक जगह बन गया, सब दरवाजे लग गए, खिड़की लग गए, कलर हो गया। 100 में से 90% रिजल्ट आया है, मतलब 90% बच्चे यहाँ के पास हुए हैं। उर्दू कैसे बचाओगे? मुशायरा करने से। लोगों का भी डिमांड है कि 11-12 भी सर चालू करिए जिसमें हमारी बेटियां पढ़ सके, खास करके नेताओं को बोलिए मत, काम करिए। मुंब्रा के MM वली स्थित TMC उर्दू स्कूल क्रमांक 13 का काम अब शुरू हो गया है। बच्चों को पढ़ने वाले क्लास को दुरुस्त किया जा रहा है। इस स्कूल की खबर हमने आपको कई बार दिखाई थी कि स्कूल कितना बदहाल हो चुका था, मगर उस खबर का असर हुआ और स्कूल को अब बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया है। दरवाजे, खिड़की, ब्लैक बोर्ड, पीने के पानी, सब इंतजाम किया जा रहा है। इस उर्दू स्कूल पर रीदा रशीद ने भी विजिट किया और खासदार श्रीकांत शिंदे का शुक्रिया अदा भी किया। इस उर्दू स्कूल से इम्तिहान में बच्चे बेहतर अंक से पास भी हुए हैं। रीता रशीद ने स्कूल को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से स्कूल का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मुझे आज यहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल में आपने विजिट किया, क्या बदलाव लगा? सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। आज विजिट तो मैंने काफ़ी टाइम किया है लेकिन आज थोड़ा और ज़्यादा आनंद हुआ है क्योंकि गए एक साल से स्कूल में ध्यान रखी थी और काफ़ी, जब पहली बार आई थी जब मीडिया वाले हमारे भाई लोग ने मुझे लाया था कि मैडम चलिए देखिए, तब देखने पे और आज देखने में बहुत सारा चेंज लग रहा है। 80% चेंज आया है अगर एक साल में, मुझे लगता है अगर इतना अच्छा काम हो सकता है तो सारी स्कूल की रूपरेखा बदल सकती है। तो गए टाइम में आई थी तो यहाँ से आने के साथ ही, वो देखने के साथ ही आँख में पानी आ गया था कि जिससे हालत थी, इसके दरवाजे नहीं थे, खिड़कियाँ नहीं थी, अंदर बैठने की बेंचेस टूटे थे, फ़ैन नहीं था, ट्यूब लाइट्स नहीं थी, लिखने का जो बोर्ड होता है वो नहीं था, बच्चे बाहर निकल रहे तो ये सड़क देख रहे हो आप, ये सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था जिसमें पानी चिकल भरा था, और यहाँ मेन तो बच्चों को पीने का पानी नहीं था, जो बच्चे बाजू बाजू में पीने के पानी के लिए जाते थे, शौचालय था लेकिन बहुत गंदा था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आपने देखा जो झंडा उछन का, हमने हर स्कूल में देखा है, हम सभी स्कूल जाते हैं तो हमारे को वो एक झंडा उछन का हमारा एक जगह दिखाई देता है, लेकिन वो तक के नहीं था। तो आज माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पूरी चीज़ें जगह पे दिख रही है। आज हमारा आपको देखो वो वॉल तक नहीं था, वो वॉल तक गिरा हुआ था, पूरा कचरा यहाँ से वहाँ था, लोग आते थे यहाँ पर रात को, ये तक बोला गया था यहाँ पर चर्सी लोग बैठते हैं, यहाँ पर दरवाजे स्कूल के नहीं थे, उसकी वजह से यहाँ पर स्कूल के अंदर आके चर्सी बैठते थे, यहाँ ड्रग्स वगैरह जो भी उनका होता है वो होता था। तो पहली बात तो आपने देखा वो वॉल बन गया, झंडा उछन करने का एक जगह बन गया, सब दरवाजे लग गए, खिड़की लग गए, कलर हो गया, पत्रा ऊपर का पत्रे की हालत ऐसी थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत साथ रहा कि आप अल्लाह ने वो पत्रे पहले तो बदला दिए। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी आता था, लिटरली मैंने देखा है बच्चे जहाँ बैठते थे वहाँ पानी गिरता था। तो आज ये आप लोग के सामने है, पीछे के भी सब क्लासेस बन गए, 10 से 15% काम रहा है, वो भी इंशाल्लाह स्कूल चालू होने के पहले कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है पूरा हो जाएगा। तो ये एक साल का बदलाव मैंने देखा एंड माशाल्लाह सबसे पहली बात तो आज बहुत खुशी की बात मुझे हुई है। मुझे पहले
जैसे रिज़ल्ट आए, मुझे फ़ोन पे ही बताया गया था कि मैडम इधर का रिज़ल्ट का ये रिज़ल्ट आया है करके, लेकिन आज मैंने आने के बाद सुना आज यहाँ पर 100 में से 90% रिज़ल्ट आया है, मतलब 90% बच्चे यहाँ के पास हुए हैं, और उसमें से भी 89.80 से भी बच्चे पास हुए। मतलब अगर TMC के जितने स्कूल TMC के लेंगे हम, TMC के स्कूल में उर्दू मीडियम में टॉपर हमारी बेटियां आई हैं, वो बेटियों को भी बहुत बहुत मुबारक ही। मतलब बोलते हैं ना, अगर हम पहल करेंगे तो हमारे बच्चे हमको उतना ही साथ देंगे। साथ की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है और अच्छे सुविधाओं की ज़रूरत है। अगर हम देंगे तो हमारे बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, कोई गलत रास्ता सोचेंगे नहीं। खाली करना चाहिए हमें, खाली बोलते ना उर्दू बचाओ, उर्दू को प्रचार करो। कैसे करोगे आप उर्दू कैसे बचाओगे? मुशायरा करने से, दो चार लोगों को बुलवाने से? यही तो बेस है हमारा। ये मुमरा में अगर लाखों लोग रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई हम लोग सभी रहते हैं, तो उर्दू कैसे बचेगा? उर्दू स्कूल है का? और जो था उसकी हालत ऐसी थी, बच्चे आने तैयार नहीं थे। मैं आई थी तो बच्चे वो क्लासेस में कितने बच्चे बैठे थे, क्या बोल रहे थे। लास्ट टाइम का वीडियो उठा के देख लीजिए, बच्चों की ज़बानें हैं उसमें। टीचर्स नहीं थी, बाकी एक संस्था ने आके टीचर्स दिए, पानी का दिए, AC दिए, स्क्रीन दिए। देखिए, बोलने की ज़रूरत है। खाली हम उर्दू बचाएंगे, मुशायरा करेंगे, हम ये करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आके सच्ची, ये बेस है, ये हमारा ढांचा है, इसको बचाना है, इसको बढ़ाना है। इसमें अच्छी सुविधा देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ का रिज़ल्ट भी इतना अच्छा माशाल्लाह रहा है कि मुझे तो मेरे आने के साथ कहा है कि मैडम 11वीं और 12वीं का भी चालू करिए, क्योंकि बच्चों के लिए, खास करके बेटियां 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि बाहर जाने नहीं देते या बाहर जाती नहीं हैं। तो इसलिए लोगों का भी डिमांड है कि 11वीं 12वीं सर चालू करिए, जिसमें हमारी बेटियां पढ़ सके। खास करके बेटियों का रिज़ल्ट बहुत माशाल्लाह अच्छा आया, तो इंशाल्लाह वो तो आगे करेंगे ही, आगे उसकी भी बात होगी। लेकिन आज का मेरे आने के बाद इतनी सारी चीज़ें मैंने देखा है और बहुत खुशी हुई है क्या। और इस खुशी में मैं सभी का धन्यवाद करूंगी, खास करके खासदार साहब का, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का, क्योंकि जब मैं आई थी और जब मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने उनको, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी मिली, मैंने उनको भी लेटर दिया था, मैं साहब को मिली थी, सभी ने मिल के लब्बैक करके जो साथ दिया, उन्होंने तुरंत वो सुविधा भेजी, तो आज इतना अच्छा माशाल्लाह काम हुआ है। सालों साल की स्कूल है और स्कूल की ऐसी हालत है, लेकिन उन्होंने साथ दिया और काफ़ी संस्थाएं मुमरा से, मुमरा की संस्थाएं आगे आई, उन्होंने भी साथ दिया और ये सब सुविधा देने में मदद की, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके हमारे खासदार साहब का, उसमें हमारे राजन दादा का, हमारे नजीब भाई का, सभी ने माशाल्लाह के रिदा बहुत अच्छा काम करी। लेकिन काम तुम्हारा होगा, तुम फॉलोअप लोगी, क्योंकि सभी नहीं पहुँच पाएंगे, तो मैंने भी कोशिश की फॉलोअप लेने की, और आज आपके सामने रिजल्ट है क्या, माशाल्लाह दिख रहा है, कुछ काम बचा है। इंशाल्लाह स्कूल चालू होने के पहले चालू हो जाएगा, सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस दुआ करिए कि बच्चों को अच्छा सुविधा मिले, बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, जिससे हमारे बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, उनको सुविधा देने का भी हमारा फर्ज बनता है। खाली बोलने से काम नहीं होगा, हमको ग्राउंड में करना पड़ेगा। बाजू की भी स्कूल है जिसकी हालत आप लोग देख रहे हो, इंशाल्लाह जल्दी उस पर भी काम होगा। इसलिए बोलती हूँ, बोलो मत, खास करके नेताओं को बोलिए मत, काम करिए, बच्चों के लिए काम करिए, एजुकेशन के लिए काम करिए, फ्यूचर के लिए काम करिए। उर्दू बढ़ाना है, उर्दू बचाना है, तो उर्दू स्कूल को पहला बचाइए, उर्दू स्कूल को अच्छा बनाइए। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मदद की, और मुझे यकीन है सभी लोग आगे आएंगे और स्कूल के लिए काम करेंगे, और आने वाले हमारे भविष्य का जो बच्चे हैं, जो को पढ़ना है, उनके लिए काम करेंगे। मैडम, जून का महीना चल रहा है, जून महीने के अंदर स्कूलों के अंदर एडमिशन चालू हो जाते हैं, तो यहाँ उर्दू स्कूल में एडमिशन के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए लास्ट टाइम जो स्कूल की हालत थी, उस टाइम पे बच्चे लोगों को, तभी भी 1500 बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ आते थे पेरेंट्स लेके, तो टीचर नहीं है, जो क्लासेस की हालत देखते थे आते नहीं थे। लेकिन अभी मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बोलूँगी, माशाल्लाह गए टाइम से
काफ़ी अच्छी स्कूल बन गई है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपन और इस पे आप लोगों के साथ से और अच्छा बनाएंगे। तो अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक वो स्कूल को हमको ज़िंदा करना है, उसको बढ़ाना है, उसको पढ़ाना है बच्चों को। वापस एक बार बोलूँगी, आइए, माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छी है और हम ही कोई मिलके उर्दू को ज़िंदा रखना है और स्कूल को आगे बढ़ाना है। तो स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा हुई है इस बार और कुछ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ नोट लिखिए, कंप्लेन करिए, मेरे पास करिए, TMC के पास करिए। अपने बच्चों को सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है वो हमारा हक है, वो हमको लेना है। इसके लिए हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो बस आइए, एडमिशन लीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ, हम सभी मिलकर बच्चों को साथ देंगे और अच्छा एजुकेशन देंगे।